हाँ जी, तो आज हम करेंगे फैसलाबाद की दो मशहूर बेकरी की पेस्ट्रीज का कंपैरिजन। पहली बेकरी है वो है द बेकर जैन, जो दूसरी है वो है लेयर्स। मैं द बेकर जैन के बारे में थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। ये द बेकर जैन 1987 के अंदर फैसलाबाद के अंदर इस्टेब्लिश हुई थी, और इसका जो मेन दिलचस्प बात यह है कि ये जो जितने भी अपने इंग्रेडिएंट्स यूज़ करते हैं वो सारे कनाडा से इम्पोर्ट करते हैं। तो बहरहाल हमारा मेन मकसद है पेस्ट्रीज ट्राई करना इसका, और उसके बाद दूसरी द लेयर्स का। अब यहाँ पे फिर आपको सब कुछ मिलेगा, बेकरी का सामान मिलेगा, केक्स मिलेंगे और बेकरी का सामान, और रशियन सैलड भी यहाँ पे है, और ये सैंडविच वगैरह, पैटीज वगैरह, ये सब कुछ भी यहाँ पे मिलता है। दूध चूत, केक शेक, और अपनी आप मर्ज़ी के भी केक डिज़ाइन करवा सकते हो। मैं आपको ज़रा लेयर्स के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इसका दे देता हूँ। लेयर्स 2020 के अंदर इस्टेब्लिश हुई थी, और ये लाहौर का एक ब्रांड था, और देखते ही देखते अपनी क्वालिटी की वजह से इन्होंने तीन इस्लामाबाद, लाहौर और फैसलाबाद के लिए। तो फिलहाल अब यहाँ से लेते हैं, फिर मैं दोनों की प्राइस कंपैरिजन करेंगे हम, और फिर टेस्ट का कंपैरिजन करेंगे, देखेंगे कौन सा फिट है। लेयर्स के अंदर का इंटीरियर दिखा देता हूँ आपको किस तरह का है। ये सामने इनका ये डिस्प्ले है जहाँ पे सारे केक शेक लगे हुए हैं, और यहाँ पे पेस्ट्रीज एक साइड पर लगी हुई हैं, और सबके नाम भी लिखे हुए हैं और प्राइसेस भी लिखे हुए हैं। तो फिलहाल हमने जो ली है वो है, जो वहाँ से हमने जो ली है ना, उसका नाम क्या है, द बेकर जैन से, वो उसकी जो ब्राउनी हमने ली है वो 180 रुपये की थी, और इनकी वही वाली तकरीबन मिलती जुलती ही 140 की है। तो अभी देखते हैं दोनों में टेस्ट में कितना फ़र्क है। अच्छा, तो अब हम इन दोनों का कंपैरिजन करते हैं। तो सबसे पहले पैकिंग पे आ जाते हैं। जो द बेकर जैन है 1987 से है बरत, तो उनकी पैकिंग इस शॉपर के अंदर है, और अंदर से उन्होंने सिर्फ साथ ही एक डब्बा दे दिया, ठीक है। तो मतलब इतना पुराना ब्रांड है, और साथ चम्मच भी हैं, दो चम्मच दिए हैं। चलो अच्छी बात है, मुझे था चम्मच नहीं है, चम्मच ये सिंपल चम्मच सही है। और जो लेयर्स है और उनकी पैकिंग ये है, और बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छी पैकिंग है। और अंदर से खोल के देखते हैं। असल तो सबसे पहले प्रेजेंटेशन होती है, तो प्रेजेंटेशन के नंबर तो भाई लेयर्स ले गए, और साथ उनका चम्मच देखते हैं। तो उनका चम्मच ये ब्लू है, और ये क्वालिटी इसकी चम्मच की उससे अच्छी है, क्योंकि जो उनका उन्होंने अपना थीम रखा हुआ है ना कॉन्ट्रास्ट, उसी से रिलेटेड उन्होंने ब्लू चम्मच रखा हुआ है, ये बहुत अट्रैक्टिव है, ठीक है। ठीक है, तो उसके बाद अब इनको दोनों को करते हैं। ये ब्लू वाला डब्बा साफ पता चल रहा है द लेयर्स का, और ये वाला दूसरा द बेकर जैन का, ठीक है। जो द बेकर जैन की है इसकी प्राइस है 200, ये न्यूटेला है, और इसका फ्लेवर, और इसका फ्लेवर मुझे याद नहीं कौन सा है, और ये इसकी प्राइस इनकी 140 है द लेयर्स वाला। अब दोनों का टेस्ट करते हैं कि टेस्ट किसका बेहतर है। तो सबसे पहले द बेकर जैन वाले की लेते हैं। तो ये आप देख सकते हो उसकी लेयर ऊपर वाली बहुत ज़बरदस्त है, और ये इसका एक बाइट बनाते हैं, और इसके बाइट को फिर टेस्ट करते हैं कि ये अब किस तरह का है। तो ये पहला बाइट द बेकर जैन का लेते हैं और ट्राई करते हैं। उसके बाद अब द लेयर्स का ट्राई करते हैं। जो इनकी डो है काफ़ी सख्त है, शायद सर्दी की वजह से होगी, या क्या बात है, या प्राइस कम की वजह से। अभी ट्राई करते हैं कि इसका टेस्ट किस तरह, इसको ट्राई करते हैं कि ये किस तरह का। बहुत टफ कंपटीशन है, बहुत टफ कंपैरिजन है। जो टेस्ट है दोनों का तकरीबन, मतलब करीब करीब, बहुत ज़्यादा करीब है, बहुत अच्छा टेस्ट, दोनों का टेस्ट अच्छा है। ये नहीं, मैं बिल्कुल नहीं कह सकता कि इसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा है या इसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा है। बहरहाल इसके ऊपर जो ये न्यूटेला है, चॉकलेट है, ये बहुत सॉफ्ट है, इसका मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया। और जो लेयर्स के अंदर है, लेयर्स की जो इधर बेक, मतलब ये जो बेक हुआ हुआ है नीचे से, ये थोड़ा सा हार्ड था, और इनकी ये सॉफ्टनेस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और जो प्राइस है, प्राइस इसकी 200 है, इसकी 140 है। जो जो इसके मतलब बाद में जो इसका मतलब पैकिंग शैकिंग है, पैकिंग लेयर्स की अच्छी है, बेकर जैन की बिल्कुल अच्छी पैकिंग नहीं है, ठीक है। उनका जो साथ स्पून है, स्पून लेयर्स का बहुत अच्छा है, ठीक है। जो प्राइस है, और प्राइस भी लेयर्स की बहुत अच्छी है। तो बाकी तीन चीज़ों में तो बेकर जैन मतलब लेयर्स से कम है, लेकिन जो टेस्ट है, टेस्ट दोनों का सेम है, टेस्ट में कोई ख़ास फ़र्क नहीं है, लेकिन सॉफ्टनेस बेकर जैन में ज़्यादा है, लेयर्स में कम है। और मे बी अगर हम लेयर्स का कोई मतलब ज़्यादा प्राइस वाला, मतलब अगर 200 या 250 वाला कोई पेस्ट्री उठाते, तो शायद उसकी उसका टेस्ट बेकर जैन से ज़्यादा होता। लेकिन मैंने मिनिमम प्राइस वाली दोनों चीज़ें ली हैं कि उनका रिव्यू करते हैं। तो बहरहाल जो द बेकर जैन का 100 पीस वाला है, वो बहुत बहुत ज़्यादा हार्डनेस, बहुत सही था। तो
इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी और दो और चीज़ों के ब्रांड के कंपैरिजन के साथ मिलते हैं इंशाल्लाह।